ज्वालाजी माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर गए और ये धर्मशाला थी, इसमें रुके थे रात और चलते हैं हम अभी, और ये जत्था हमारे साथ है और आगे मिलेंगे। आज थोड़ा सा भागम भाग रहेगी और चिंतपूर्णा देवी और नैना देवी और चिंतपूर्ण देवी, इन पे मिलते हैं। चलो भाई आगे, अभी बस का टाइम हो रहा है तो यहाँ से यात्रा जो है प्रस्थान करेगी। अभी बस में बैठ रहे हैं, सीट अपने अपनी ले लेंगे और भाई आगे अगली देवी में मिलते हैं। और ये हमारा ग्रुप भोले बाबा ग्रुप, सातवीं यात्रा। कहाँ से मिली है पर्ची? पर्ची लेनी जरूरी है क्या? और करना ये बिना पर्ची के दर्शन नहीं होने के। देखो ये तू किले की ले रहा, और नहीं है लाया, एक को एक ही मिला है, तो हमें सारों को जाना पड़ेगा। तो माता चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचने वाले हैं हम, और अभी हैं हम डिस्ट्रिक्ट ऊना में, ऊना ही लिख रहा है यहाँ पे। तो ठीक वैसे ही जैसा कि बक्सर उतरने के बाद हर तीर्थ के लिए पैदल यात्रा, अब यहाँ पे भी वैसा ही, लेकिन ये नहीं पता कितनी दूरी तक चलना पड़ेगा। तन्ने एक जय नहीं बोल लिया, 8 दिन हो लिए तुझे। तन्ना बोल जय है, जय बोलता है, जय तो बोलता है, अब नहीं बोलने का देख ले। जोर से बोलो, जय माता दी, आवाज नहीं आई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ये है चढ़ाई माता चिंतपूर्णी की, जिसे हम करते जा रहे हैं। माँ, मैं, पिताजी और रमित पीछे, लगभग 1 किलोमीटर आ चुके हैं, आगे पता नहीं कितनी बची होगी, लेकिन जो भी है माता के दरबार पहुंचेंगे जरूर। ये चिंतपूर्णी के भक्त हैं, इन्हें ज्यादा चिंता हो रही है इसलिए गाड़ी ले आए हैं। और हमारी रो में भी कुछ भक्त बहुत चिंतित है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, चिंतपूर्णी जरूर दर्शन देंगी। द्वारे पहुंचने वाले हैं चिंतपूर्णी माता के, तो लग रहा है कि गेट आ गया। पिछले लगभग 1.5 घंटे से लाइन में लगे, तो इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाई माता के दरबार में जाएंगे तो भाई। माता चिंतपूर्णी के दर्शन भी कर लिए हमने, यहाँ पे थोड़ा समय ज्यादा तो लगा ही भाई, भीड़ तो होगी। देखो छुट्टियों का सीजन है भाई, माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे सब, तो भाई हम भी उसी सिलसिले में आ रहे हैं, आपको पता ही है। तो दर्शन करने जरूरी है, क्योंकि भाई हमारा मकसद ही यही है, पिताजी और अमित और हमारी दोनों की लाइन अब की बार अलग हो गई थी, दूसरी लाइन में चले गए थे, मतलब सेपरेट हो गए थे, अलग अलग प्रसाद चढ़ाया, नहीं तो पिछले जितनी माता है इकट्ठा ही था। और ये तेज चले हैं कुछ दोनों, कहाँ चलो, अच्छा अब साथ ही बैठेंगे, क्योंकि भाई टाइम मिला था हमें कम ही बस तक पहुँचने का। वो कह रहा था भाई 20 मिनट में आ जाइए, लेकिन भला 20 मिनट में आया जा रहा क्या? देखो भक्तों के लिए अब भी आ रहे उधर से, लेकिन हमने फिर भी टाइम से कर लिया काम। भाई समूह में जत्थे में ऐसा ही होता है, सबके दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग ही इकट्ठा होना पड़ता है। याद आ गया इसके, बागा बॉर्डर पर रहे थे भाई, अटारी बॉर्डर, क्या तो इनका नंबर नहीं आ रहा था वहाँ, फिर एकदम याद आ गया भाई, अटारी बॉर्डर पर रहे थे मैं और माते साथ में, अमित और पिताजी थे। तो ये भाई घर चलते चलते अपना अलग ग्रुप न बना ले, अरे भाई साथ में रखो, मैं भी दोनों की चाल है तेज। और अब चलेंगे हम नैना देवी, तो वहाँ का सफर 3 घंटे से ज्यादा का बताते हैं, तो बस में वापस बैठ लिए हैं। तो भाई अभी पहुँच गए हैं नैना देवी के आशीर्वाद से, नैना देवी के ठीक नीचे। अभी रात के बजे हैं 9 और हम पहुँचे हैं यहाँ पे, और चिंतपूर्णी माता से चल करके यहाँ पे पहुँच गए। माँ पिताजी को अभी हमने उतार लिया, अब देखेंगे भाई, वहाँ कहते हैं कि छोटी वैन जाती है, वैन में जाना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे चलेंगे भाई। अब नैना देवी के आसपास में ही तो बस रुक गई है यहाँ पे, और यहाँ से अब भी की यात्रा करेंगे। अब
तो टैक्सी चलती है यहाँ से वहाँ तक, तो अभी हमें मिली नहीं है, बाकी पब्लिक चली गई है, तो बस टैक्सी आते हैं, हम भी चलेंगे अभी दर्शन करने हैं और रात में ही चलेंगे फिर शाकंभरी देवी के लिए। तो भाई रात के बजे हैं 12:30 और माँ नैना देवी की पूजा करने के बाद सभी भक्तजन यहाँ पे जो है खाना खाएंगे अभी, और खाने में बन रही है खिचड़ी तारी, तो यहाँ चावल भी साफ हो रहे हैं, और भाई काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि भाई बहुत जनता पब्लिक का खाना बनेगा, तो अभी आराम के मूड में है। देखो जनता नीचे बिस्तर लगा के पड़ी है, और अभी 1 घंटा और तो बनने में ही लगेगा, फिर खाने में भी लगेगा, तो लगभग मुझे लगता है यहाँ पे 3 बजने वाले हैं, तब जाके यात्रा आगे की शुरू हो गई। माँ और पिताजी अपनी बस के आगे ही एक कारपेट बिछा रखा है छोटा सा, वहाँ पे लेट रहे हैं। तो भाई हलवाई की टीम हमारी पूरी लगी हुई है, एक कोने में ये लगा रखा है यहाँ पे सेटअप, पट्टियां सब चीज। तो अभी फिलहाल कुछ खाना बनने के तैयार हो गया, मतलब खिचड़ी, और पंखे उधर बैठा दिए हैं, अब स्टार्ट होगा, और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये बस स्टैंड यहाँ पे, और ठंडी हवा लग रही है, तो सर्दी सी भी महसूस होने लगी है कुछ, क्योंकि रात का भी टाइम है। और अमित और मैं यहाँ पे आके बैठ गए हैं भाई, अभी उधर ही बैठे थे तो देख रहे थे, खाने का जायजा ले रहे थे कि खाना बन गया क्या, और देखेंगे भाई। पिताजी तो कर रहे थे मना ही कि भाई मैं तो खाऊंगा नहीं कुछ, माँ से पूछ लेंगे, और मैं और अमित खाएंगे यहाँ थोड़ा थोड़ा अभी। और पंगत बैठ चुकी है इसी मैदान पे जहाँ पे सारी बसें रुकी हैं, तो भाई सभी ने दर्शन भक्तों ने अभी कर लिए, और यहाँ से बाद में निकलेंगे हम शाकंभरी देवी माता के लिए, रात में ही सफ़र होगा खाना खाने के बाद, जब भी ये खाने का प्रोग्राम निपट जाएगा उसके बाद। और ये सामने देख रहे हैं आप माता नैना देवी का मंदिर, वहाँ ऊंची पहाड़ी पे, और इससे लगभग 3-4 किलोमीटर नीचे है ये स्थान, तो वहाँ तक जाना पड़ता है, टैक्सी चलती है, ये बेनिफिट है यहाँ पे। तो माँ और पिताजी थके नहीं है और हम भी उनके साथ में, तो यहाँ पे जो चढ़ाई है वो टैक्सी से हो जाती है, तो उसमें बहुत आराम मिला क्योंकि कई दिन की यात्रा हो चुकी है, 7 दिन हो चुके हैं पूरे, उसमें थकान भी हो रही थी, और अब तो थके थके से लग रहे सब यात्रीगण, सभी श्रद्धालु। तो भाई ये आ गई पत्तल, और ये आ गया भोजन, और अमित बैठा यहाँ, बनने यहाँ पे स्थान ले लिया, ये लग रही पूरी पत्तियाँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 8:30, और कारमा यहाँ आके रुका है नैना देवी से चलने के बाद में, ये चंडीगढ़ क्रॉस करके, तो फिलहाल यहाँ एक ढाबे पे रुके हैं, फ्रेश हो लें, चाय पियेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो माँ पिताजी, माँ तो पिएगी चाय, पिताजी चाय को भी मना कर रहे, पिताजी कहीं का डर है ना, डर तो नहीं लगे तो है नहीं, मतलब लगने तो डर रहे पहले ही लगे तो है, अरे तो उससे लग भी गए थे और फिर खुला लिया, नहीं दवाई तो मैं भी ले रहा, तो अभी जत्थे की 2 बसें आई हैं केवल, तो 2 बसों के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे फ्रेश हो रहे हैं, फ्रेश होकर चाय पियेंगे तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी 2 घंटे लगभग का सफर शाकंभरी देवी का बचा है। और ये जो टूर था वहाँ से यहाँ तक का, ये एक लंबी ट्रिप थी 350 किलोमीटर के आसपास, तो इसमें समय तो लगेगा, लगभग 3 बजे चले थे वहाँ से, और अभी बजे हैं 8:30। अमित को भी भूख लगी, इसके चेहरे से लग रहा भूख लग रही है, नाश्ता तो कर लेंगे, चाय लेके आनी पड़ेगी वहाँ से, ये लेगा होगा, ये लेके, तो इतने बिस्किट वगैरह ले जो रखते हैं, चाय बिस्किट का नाश्ता हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि भाई माँ ने तो रात भी नहीं खाई थी है, और माँ पिताजी इस चीज से डरे हैं भाई, बहुत सवेरे जल्दी फ्रेश होना पड़ेगा, और हो सकता है उस टाइम सफर चल रहा हो, क्योंकि आदत उसी टाइम की है। ढाबे पे बगल में ही टमाटर उगा रखे भाई इन्होंने, ये देखो टमाटर तो एकदम ताजे यूज करते होंगे, पक भी रहे हैं 4-5 तो, और बाकी कच्चे भी हैं, वैसे एक ही पौधा है लेकिन जिसके भी हाथ लगेंगे, मतलब जिसके भी सामने आएंगे सब्जी लाजवाब होगी, क्योंकि ये घर के टमाटर हो जाएंगे। हमारी 2 देवियाँ बची है बस, माँ शाकंभरी देवी और देवबंद में। चाय आ गई है। पंजाब में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जी? हरियाणा का पहला डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। अच्छा, अम्बाला में आ गए। मैं पंजाब कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना भाई ये तो पंजाबी में लिखा हो तो उसमें समझ में आता नहीं, वैसे कहीं बोर्ड नहीं था, तो यहाँ पे अभी अम्बाला में है, और चाय सर्व होगी, देखो स्टील की ग्लास है, ठीक है मात्रा चाय की मुझे ऐसा लग रहा, अब पता नहीं इसकी तली ऊपर होगी या नीचे, वो तो पी के पता चलेगा ऐसे कप की तली ऊपर रख दें या अद्धे में। और बिस्किट नमकीन हमारे रखे थे,
तो हम भाई नहीं यूज करेंगे। और पेड़े भी रखे हैं अभी भी, देखो एक हफ्ता हो लिया। वैसे ठंड में थे ये हिमाचल। चाय के साथ ही दिक्कत करें पिताजी। हाँ वैसे खा लो बिना चाय के तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रूटी है, ये पी लियो। हाँ पिताजी को ये दे लियो अगर चाय नहीं पीते तो। नहीं नहीं यहाँ डब्बे पे मिल जाएगा ना पिताजी, अपनी चाय को ठंडी करो। डब्बे पे मिल जाएगा गिलास, तो ये पी लियो तुम। तो पूरी यात्रा में पहली बार डब्बे पे बैठ के इस तरह से चाय पी रहे। ये तो अपने भंडारे में जो यहाँ यात्रा का है उसमें चाय पीते हैं, या घर पे ले आते हैं रूम पे जहाँ भी ठहरते हैं धर्मशाला में। तो ये पहला ब्रेक है इस तरह का, टपरी के नीचे हम यहाँ पे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट बताया उन्होंने चाय वालों ने। पिताजी के लिए ये है माजा, फ्रूटी बोल कर देते हैं पूरे देश में। अगर फ्रूटी मांगो तो माजा की ये पकड़ा देते हैं जब होती नहीं, और इसे ही हम फ्रूटी समझ के पी लें। तो पिताजी ये पियेंगे और हमारी है चाय। और जैसे ये चार चाय है और तीन जने रह गए पीने वाले, तो हम इसमें तो बराबर डिवाइड कर लेंगे चौथी चाय को, इतनी ज़्यादा तो है नहीं।